Good morning, dear friends, and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. सुप्रभात मेरे मित्रों और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सब का अभिवादन करता हूँ. And we are already in a very new week. और हम एक नए हफ्ते में हैं. And it is the Lord's mercy that we are still alive, and He brought us to this day. और ये तो परमेश्वर की दया और करुणा है कि एक और नया दिन में वो हमें ले आया है. And I pray that these meditations that you keep hearing will really bless your life and change you in many ways. और मेरी प्रार्थना यही है कि ये मनन जो आप सुनते हैं ये आपके जीवनों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए और आपके जीवन को बदलने पाए. You know, the devil bring temptation. और क्या आपको पता है शैतान परीक्षाओं को लेकर आता है. But God tests the faith of his people. लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की विश्वास को जांचता है. Abraham was called the father of the faithful. और इब्राहिम को विश्वास योग्यों का पिता कहकर बुलाया गया. And even he was tremendously tested and proven his faith. और वो भी अद्भुत रीति से छुआ गया और अद्भुत रीति से उसके विश्वास की परीक्षा ली गई. And so I would like us to read four verses five verses from the book of Hebrews chapter 11. और मैं चाहता हूं कि चार वचनों को हम इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय से पढ़ें. And these verses talks about how God tests faith. और ये वचन बात करते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है. And so I will ask Pastor Mahendra to read these verses. So आइए अपनी बाइबलों में आप इस वचन की ओर देखिए जैसे मैं इस वचन को आपके लिए पढ़ता हूँ. इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 8वां और 9वां वचन. विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया. विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में पराए देश में परदेशी के समान रहकर इसाक और याकूब समेत जो उसके साथ थे साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया. और इसके बाद 11 और 12, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था. इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए. इसके पश्चात 17वां वचन, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिन प्रतिज्ञाओं को सच माना था. You will notice four times in these four verses the phrase by faith occurs. और आप देखेंगे कि किस प्रकार से चार बार इन चार वचनों में विश्वास के द्वारा ये शब्द का प्रयोग किया गया है. And each phrase introduces a cardinal or a very important test experienced by Abraham. और हर एक ये वचन दर्शाता है इब्राहिम की एक बड़ी वो परीक्षा जिससे होकर के वो निकला. And what I want to meditate with you this morning is the first test. और इसलिए आज की सुबह जो मैं आपके संग मनन करना चाहता हूँ वो है वो पहली परीक्षा जिससे इब्राहिम होकर के निकला. Which we read in verse 8. जिसको हमने 8वें वचन में पढ़ा. By faith, Abraham, when tested, और विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर called to go out to a place that he was to receive. आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था. Receive as an inheritance. जिसे वो एक मीरास के रूप में लेने वाला था. And he went out, not knowing where he was going. और वो यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया. And so what we see here is a test of the unknown. और यहाँ पर हम देखते हैं एक परीक्षा
जो कि एक अज्ञात भविष्य के विषय में है. फ्रॉम द नोन टू द अननोन, कि कैसे एक ज्ञात जगह से एक अज्ञात स्थान की ओर वो बढ़ता है. इट इज नॉट दैट अब्राहम डिड नॉट नो दैट God called him. I mean, did not know that God has called him. और ऐसा नहीं था कि इब्राहिम ये नहीं जानता था कि परमेश्वर ने उसे बुलाया है. Or his problem was that he did not know who called him. या उसकी समस्या ये नहीं थी कि किसने उसे बुलाया. Or whether or not he should obey. और क्या उसे ये आज्ञा माननी चाहिए या नहीं. He did not question that. और उसने इस बात के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया. The test of the unknown is when God's call come for us to leave everything known to us to an unknown destiny. और इस सवाल तो ये उठता है कि जब परमेश्वर का बुलाहट हमारे लिए आता है कि हम निकल जाएं एक ऐसे अज्ञात लक्ष्य की ओर जो हमें पता ही नहीं. So what do we do? तो हम क्या करते हैं? And it is one of the most important thing for people to do immediately. और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है एक जन के या एक लोगों के लिए करने के लिए तुरंत ही. Abraham was asked to leave his country. और इब्राहिम से कहा गया कि वो अपने देश को छोड़कर, leave his people, अपने लोगों को छोड़कर, and leave everything that was so familiar and surrounding him. और हर एक ऐसी बात को छोड़कर जो उसके ज्ञात थी और उसके इर्द-गिर्द थी. He was simply told to come out. उसे सिर्फ इतना कहा गया कि तू बाहर निकला. And start walking. और चलना शुरू कर दे. Where he did not know. कहां वो नहीं जानता था. The test of the unknown involves a definite choice. और वो परीक्षा, ऐसी परीक्षा जिसमें अज्ञात है किस स्थान पर जाना है, उसके लिए एक बड़ा हियाव और बड़ा चुनाव चाहिए. He knew it was God calling him. और वो जानता था कि हाँ ये तो परमेश्वर ही है जो मुझे बुलाता है. He also knew that he must obey what God was telling him. और वो ये भी जानता था कि उसे आज्ञा माननी है उन सारी बातों की जो परमेश्वर उससे कहता है. But he did not know where. लेकिन उसे ये नहीं पता था कहाँ. Okay, God has asked me to get out of my city, out of my country, out of my people and start walking. क्योंकि परमेश्वर ने तो मुझसे कहा है कि मैं अपने देश से बाहर निकल आऊं, अपने लोगों को छोड़ दूं और सिर्फ चलना शुरू कर दूं. But that God did not tell him. और ये परमेश्वर ने मुझे बताया नहीं. God simply asked him to get out and start walking. सिर्फ परमेश्वर ने इतना ही कहा कि उठ और चल. And he also knew in his heart that he must obey God. और वो भी अपने हृदय में इब्राहिम इस बात को जानता था कि उसे परमेश्वर की आज्ञा माननी है. And so where should he go? तो उसे कहां जाना था. Nevertheless, the Bible says Abraham obeyed. लेकिन फिर भी बाइबल बताता है कि इब्राहिम ने आज्ञा मानी. He left his home and he left his city. उसने अपने शहर, अपने घर को छोड़कर. Why? क्यों? His confidence was that God was everywhere. और उसका भरोसा ये था कि परमेश्वर हर स्थान पर है. And he was even in that unknown future. और वो परमेश्वर उस अज्ञात भविष्य में भी है. And therefore, और इसलिए, he did not need to know the exact place he must reach. और इसलिए उसे ये जानने की आवश्यकता नहीं थी उस स्थान के विषय में जहां उसे पहुंचना था. Why? क्यों? Because he knew he could experience God everywhere. क्योंकि वो इस बात को जानता था कि वो परमेश्वर को हर जगह, वो परमेश्वर को महसूस कर सकता है. And when you and I possess that confidence about God, और जब आप और मैं परमेश्वर के लिए ऐसे भरोसे को लेकर चलते हैं, that God is not limited by time, कि परमेश्वर समय से सीमित नहीं, God is not limited by place, और परमेश्वर स्थान से सीमित नहीं, God is not limited by anything,
और परमेश्वर किसी भी बात से सीमित नहीं, बिकॉज द बाइबल सेज, क्योंकि बाइबल बताती है, गॉड इज एवरीवेयर, क्योंकि परमेश्वर हर स्थान में है। David was a man who knew this. और दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो इस बात को जानता था। So he said in one of his prayers, "Where can I go to hide from you?" और एक वचन में वो इस प्रकार कहता है कि हे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति से छिपकर मैं जाऊं कहां? If I had wings like the eagles, I would fly away to the highest mountain far away somewhere. और अगर मेरे पास उकाब के समान पंख होते, तो मैं उन ऊंची चोटियों की ओर उड़ जाता। But problem was, लेकिन समस्या ये है, when he arrived there, जब वो ऊंची चोटियों पर पहुंचा, whom will he see and experience? और किसे वो देखता और अनुभव करता? God. परमेश्वर को। Whether it is the highest mountain, चाहे वो उच्च चोटियां क्यों ना हो, or the lowest part of the sea, और चाहे वो समुद्री तल का सबसे निचला भाग क्यों ना हो, or sky, चाहे वो आसमान क्यों ना हो, wherever, चाहे वो कोई भी स्थान हो, God is there. परमेश्वर स्थान में है। Isn't that very amazing, my friend? क्या ये एक अद्भुत बात नहीं मेरे मित्रों? What is the future? और भविष्य क्या है? In Daniel's case, there was a lion's den he और had दानियल के परिस्थिति में तो एक शेर था। And when he arrived there in the den, when he was cast into the den of hungry lions, aur jab use us gufa mein fek diya gaya jahan par bhooke sher uska intezar kar rahe the, God was already there. Parmeshwar Daniel se pehle us gufa mein maujood tha. God is in your future. Parmeshwar aapke bhavishy mein hai. And whatever that future holds for you, aur jo kuch bhi wo bhavishy aapke liye rakhta hai, and therefore, aur isliye, I want to encourage my listeners, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने लोग इस संदेश, इस मनन को सुनते हैं, never hesitate to set out, और कभी भी हिचकिचाए ना बाहर निकलने के लिए, when God calls you, जब परमेश्वर आपको बुलाता है। Now, Peter was a very impulsive man. और पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो बोलने में बहुत तेज, and he jumped out of the boat once while the sea was facing a terrible storm, a very big storm. He jumped out because he wanted Jesus to allow him to do so. Jesus came to this storm-struck disciples by walking. और पतरस अचानक से उस नाव से कूदकर समुद्र पर कूदा, क्योंकि उस तूफान ने जो चेलों की ओर बढ़ रहा था, यीशु ने चुना कि उस तूफान के बीच में वो उनसे मुलाकात करेगा। Now, of course, in that time, Peter knew where he wanted to go. और उस समय जब वो नाव से कूदा पानी के ऊपर, वो ये जानता था कि उसे किस ओर जाना है। But there are other things he did not know. लेकिन और दूसरी बातें थी जो वो नहीं जानता था। The storm was still raging. कि वो तूफान तो अभी भी चल रहा है। The boat was swaying from that way up to this way. और वो नाव अभी भी इधर उधर डोल रही है। And here comes Jesus walking over those storms. और यहाँ पर आता है यीशु इन तूफानों के ऊपर चलते हुए। And disciples were frightened. और जो चेले थे वो डरे हुए थे। They thought it was a ghost. और उन्हें लगा कि ये तो एक कोई भूत है। But Jesus told him, "Do not be afraid, it is I." और यीशु ने कहा, डरो मत, ये तो मैं हूँ। And Peter suddenly wanted to prove. और पतरस उसे इस बात को साबित करना चाहता। So he said, "If it is you, Lord, allow me to come to you by walking." और उसने ऐसा कहा, पतरस ने ऐसा कहा कि परमेश्वर, यदि ये तू है तो मुझे अनुमति दे कि मैं तेरी ओर चल कर इस पानी पर आ जाऊं। And Jesus said, "Come." और यीशु ने कहा, आ जा। And in obedience to God's word, he jumped and he started walking. और परमेश्वर के वचन अनुसार और उसकी आज्ञा मानते हुए पतरस उस नाव से कूद कर पानी पर आ गया। As long as his eyes were on Jesus' face, और जब तक उसकी आंखें प्रभु यीशु के मुख की ओर केंद्रित थी, there was no problem. कोई समस्या ना आई। He was walking. वो उस पानी पर चल रहा था। So you don't know. Peter was the only
human being ever walked on a storm struck waves raging sea. और ये पत्रस ही एकमात्र ऐसा मानव या मनुष्य था जो उस उथल पुथल पानी और लहरों के ऊपर चलता चल पाया. But when he took his eyes off from Jesus, लेकिन जब उसने अपनी आंखों को यीशु से हटा लिया and began to look at the storm and the wave, और उन लहरों और तूफान की ओर देखने लगा, that was the time he started sinking. और उसी समय वो डूबना शुरू हो गया. But thank God, Jesus was there. लेकिन धन्यवाद हो पिता का कि यीशु वहां पर मौजूद था. What am I saying? मैं क्या कहना चाहता हूं? Jesus is even in the storm. कि यीशु उस तूफान में भी मौजूद है. You will not be destroyed. और आपका विनाश ना होगा. Because he believed this. और क्योंकि उसने इस बात पर विश्वास किया. That God is everywhere. कि परमेश्वर हर स्थान पर है. Abraham not only started off. इब्राहिम ने ना केवल चलना शुरू किया. But built an altar to worship God wherever he stopped. और एक वेदी को उसने बनाया हर एक उस स्थान पर जहां वो रुका. परमेश्वर की आराधना करने के लिए. So the first test of a faith often gives us a sense of adventure with God. और इसलिए विश्वास की पहली परीक्षा कई बार हमें परमेश्वर के संग एक रोमांचक विश्वास की यात्रा में ले जाती है. If you have come out to follow Jesus, और अगर आप भी बाहर निकल आए हैं यीशु के पीछे चलने के लिए, you are not going to have a God never promised there will be no storm, there will be no waves. और परमेश्वर ने कभी ये वादा नहीं किया कि वहाँ पर कोई तूफान ना होंगे, कोई लहरें ना होंगी, you will face no problems. और कोई समस्या का सामना आप ना करेंगे. No, God never promised this way. परमेश्वर ने इन सारी बातों को नहीं कहा. But you can be sure of one thing. लेकिन एक बात को आप सुनिश्चित कर सकते हैं. Even in the biggest storms of your life, you can find God there. कि अपने जीवन के सबसे बड़े तूफानों में भी आप परमेश्वर so को पा सकते हैं. और इसलिए घबराएं ना, भयभीत ना हो, आगे बढ़ते चले जाएं. हालेलुया, हालेलुया. What a faithful God. और कितना विश्वास योग्य परमेश्वर. He who has called you is faithful. Remain in your calling and carry on, because God, you will find in the greatest difficulties and darkness of your life. और जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है. और क्योंकि आप उस परमेश्वर को अपने जीवन की बड़ी बड़ी और महान मुश्किलों और कठिनाइयों में साथ पाएंगे. Lord, we know we cannot do it alone. परमेश्वर हम जानते हैं हम इस बात को अकेले नहीं कर सकते. Unless we too possess this knowledge and confidence like Abraham, that God is everywhere. जब तक हम भी इब्राहिम के समान इस ज्ञान को ना जाने और समझे कि परमेश्वर हर जगह मौजूद है. So Lord, we too will display the courage and the confidence to set out, though we may not know where we are going to take the next step. और इसीलिए पिता होने दे हम भी बड़े साहस और इहाव के साथ इस बात को करने पाए, उन स्थानों पर निकलने पाए जो हम नहीं जानते. हमें तेरे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. And oh Spirit of God, you are a guide, you can lead us and you can show us the way. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा, आप ही हमारा मार्गदर्शन करने वाले, आप ही हमें सब कुछ दिखाने वाले परमेश्वर हैं. थैंक यू, धन्यवाद. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you, my friends. मेरे मित्रों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे. This is a great day. ये एक महान दिन है. Experience God's presence everywhere you are. और परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव आप हर जगह करें जहां कहीं पर भी आप हैं. Amen. Amen.